Leads to question number 7th of exercise 1A, that is integer. Question number 7th is first part. Fling the blanks. First part is bracket minus 13 plus 27 bracket bund plus minus 41 equals to minus 13 plus bracket 27 plus dash. क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिखना है. अब देखिए, अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो भी यही तीन डिजिट आएंगी क्योंकि सबके पीछे साइन है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस 13 है, 27 है, लेकिन माइनस 41 नहीं है. दैट मीन्स माइनस 41 इज़ द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज माइनस 26 प्लस माइनस 49 प्लस माइनस 83 ब्रैकेट इक्वल्स टू माइनस 26 प्लस माइनस 49 प्लस ब्रैकेट डैश. अब देखिए, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, माइनस 26 है. एडिशन में बीच में एडिशन होता है, मल्टीप्लाई होता तो हमारी प्रॉपर्टी लग जाती, लेकिन यह एडिशन का साइन है. माइनस 26 है, माइनस 49 है, लेकिन माइनस 83 नहीं है. दैट मीन्स माइनस 83 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 53 प्लस माइनस 37. तो माइनस 37 प्लस डैश. फ्रेंड्स, ये वही प्रॉपर्टी है जिसमें हम ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, इज वन एंड द सेम थिंग. प्रॉपर्टीज हम अभी ने आगे पढ़ेंगे, नहीं, प्रॉपर्टीज हम यहीं पढ़ेंगे. दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी या बी प्लस ए. तो यहाँ क्या आएगा, 53. पहले दो में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ब्रैकेट्स खोले तो कौन सी डिजिट्स पर रहती हैं. फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज माइनस 68 प्लस माइनस 76 इक्वल्स टू डैश प्लस माइनस 68. फ्रेंड्स, ये फिर से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ए प्लस बी या बी. बी यहाँ है, माइनस 76 प्लस ए. फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज माइनस 72 प्लस करें डैश में तो माइनस 72 ही आना चाहिए. ऐसा कौन सा है हमारी, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये देखना है हमें. ये लग रही है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर कोई भी नंबर हम जीरो से ऐड करेंगे तो हमारा वही नंबर आ जाएगा. लेट्स डू सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट इज माइनस माइनस 83. तो कितना आएगा हमारा, जब हम एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगेंगी, जब भी हम किसी उसके इन्वर्स से माइनस, किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से करते हैं तो हमारा वो नंबर माइनस ऑफ माइनस का नंबर है, और माइनस से ही करेंगे तो प्लस हो जाएगा. दैट इज 83. लेट्स डू सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट इज माइनस 60 माइनस डैश इक्वल्स टू 59, लेकिन माइनस का. तो माइनस का 59 कब होगा, जब हम इसमें माइनस का 1 करेंगे तो हमारा माइनस का 59 आ जाएगा. कैसे, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो कितना है, दोनों ऑपोजिट साइन हुए, माइनस 59 आ गया. लेट्स टू एट्थ पार्ट. एट्थ पार्ट इज माइनस 31 प्लस डैश इक्वल्स टू 40, लेकिन माइनस का. तो इसमें क्या ऐड करूं कि माइनस 40, दोनों सेम साइन होने चाहिए, माइनस का 9 इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.